बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम आपको जो है ना मगज़ की रेसिपी दिखाएंगे, जो ब्रेन मसाला जो है वो कैसे तैयार किया जाता है और इसको कैसे बनाया जाता है। जी, हम आपको दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अभी जो है मगज़ है ये पड़ा हुआ मगज़, ये बकरे का मगज़ है मटन वाला, तो हम इसको पहले धो लेंगे। धोने के बाद फिर हम इसको तवे पर जो है ना इसको बॉयल करेंगे। तो पानी हम पानी के साथ इसको धो लेंगे। धोने के बाद हम इसके जो है ना इसको तवे के ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर छोटा सा झिल्ली बनी होती है, पर्दा लगा होता है, ये हम इसे इसका जो ऊपर से उतार लेंगे, फिर ये जो है ना पकता सही है। इसका बारीक पर्दा होता है ऊपर से, ये हम हटा लेंगे, फिर इसको हम जो है ना तवे के ऊपर डालेंगे। यस जी हाँ दोस्तों, हम इसके ऊपर जो है ना पानी डालेंगे। अच्छा, पानी डालने के बाद जो ये मगज़ है इसको हम उबाल लेंगे। अच्छा, इसको उबालने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम दोस्तों इसको थोड़ा सा ना उबाल लेंगे थोड़ी देर के लिए। तो इसको हमने दम दे दिया है, तो थोड़ी देर जैसे उबल जाएगा फिर हम इसको उबाल के इसका पानी जो गिरा देंगे सफ़ा करके, फिर हम इसमें जो है ना मसाले डालेंगे। मगज़ को हमने उबाल लिया है। अच्छा, मगज़ को उबालने के बाद हम जो इसका पानी है वो गिरा देंगे, इसमें जो है ना ताज़ा पानी डालेंगे। दोस्तों, अभी ये बन चुका है, तो इसमें जो है ना हम लहसुन और अदरक, हमने ये इसको कूटा हुआ है लहसुन और अदरक, और इसमें जो थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद जो इसका पानी हम इसके ऊपर गिराएंगे। अच्छा, उसके बाद इसमें हमने 4 अदद टमाटर डाले थे, 5 अदद टमाटर, और उसके बाद जो है ना 1 अदद छोटा प्याज हमने इसको मशीन में जो हमने इसे ग्राइंड किया था, बिल्कुल बारीक किया था, फिर हम इसके ऊपर ये डालेंगे। अच्छा, ये डालने के बाद दोस्तों हमने इसके ऊपर जो है ना नमक डालना है। अच्छा, उसके बाद हमने इसके ऊपर लाल मिर्च डालनी पिसी हुई। बस इतना काफ़ी है। फिर इसके बाद हम जो है ना इसके ऊपर जो है ना दही गिराएंगे, दही डालेंगे। Yes.
दोस्तों इसके बाद हमने इसके ऊपर जो है ना वो दही गिराना है। दही दही गिराने के बाद हम इसके ऊपर जो मसाले वगैरह जो है वो बाकी चीज़ें डालेंगे। अच्छा, हमने इसके ऊपर जो है ना अभी दही डाल लिया है। दही डालने के बाद हम इसके ऊपर जो बाकी मसाले हैं, घी वगैरह, वो हम बाद में, जैसे ये थोड़ा सूख जाएगा फिर उसके बाद हम जो मसाले इसके हैं वो डालेंगे, हरी मिर्च वगैरह, घी डालेंगे, बाद में इसको फ्राई करेंगे। इसे कहते हैं मगज़ फ्राई, जो ब्रेड मसाला होता है। या दोस्तों अभी हमने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया, इसका जो पानी है, दही और पानी, लहसुन अदरक का, ये खुश्क हो चुका है। फिर इसके बाद हम इसमें जो है ना घी डालेंगे। अच्छा, घी डालने के बाद दोस्तों हमने ना घी डाल लिया। अभी घी डालने के बाद हम इसमें जो है मसाले डालेंगे। अच्छा, ये गरम मसाला है, ठीक है ना, एक शहर से हमने साबित रखा हुआ, एक शहर से जो गरम मसाला पिसा हुआ है, हमने इसमें जो काली मिर्च और गरम मसाला जो है इसमें पिसा हुआ है, ये डालेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। अच्छा, इसको डालने के बाद दोस्तों फिर हमने जो है ना इसके ऊपर हरी मिर्च डालनी है और धनिया डालना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा घी डाल लें, कम है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी ये मगज़ जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है, और इसकी जो तरीका है, रेसिपी है, इसी तरह इसे तैयार किया जाता है, आपने देख लिया दोस्तों। तो अभी हम इसको चेक करते हैं, इसका जायका चेक करते हैं कि ये कैसा है। तो एक बार फ्राई कर लेते हैं, दोबारा मिक्स कर लेते हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं कि कैसा बना हुआ है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ दोस्तों, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही लाजवाब है। ये तवे वाला मगज़ है, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इसे टेस्ट किया है, तवे वाला मगज़। और पहले तो हम दूसरे कढ़ाइयों वगैरह डिशों में बनाते थे, आज जो तवे का टेस्ट है बहुत ही लाजवाब है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और स्पाइसी है, मसालेदार है। तो दोस्तों इसी तरह हम एक डेली की वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें, और इस वीडियो को दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।